फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि जीडीपी क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम ये देखते हैं कि ग्रॉस का मतलब क्या है, टोटल, डोमेस्टिक का मतलब है जियोग्राफिकल बाउंड्री, एंड प्रोडक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आता है। द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड जीडीपी। यानी एक निर्धारित समय में किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का कुल योग ही क्या कहलाता है, जीडीपी। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जैसे कि हम उपभोग के लिए अपने प्रयोग करते हैं, चाहे कपड़े हैं, चाहे गाड़ियां हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये सब वस्तुएं हैं और सर्विसेज भी हैं, जैसे डॉक्टर की सर्विस है, टीचर की सर्विस है, प्लम्बर की सर्विस है। तो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, ये सब क्या है, जीडीपी का ही पार्ट है। तो इससे हमें तीन चीज़ें समझ में आती हैं। पहले बात तो जीडीपी के अंतर्गत हम अपने देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को लेते हैं, यानी इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं लेते हैं। हम इसके अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं को लेते हैं जो बाज़ार में उपभोक्ता के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। और देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अगर भारत के जो एम्बेसी है, भारत के बाहर जितनी भी हैं, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे यूके में है, वो सब भारत की टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं, चाहे हमारा आर्मी बेस है। लेकिन अगर दूसरे देश की एम्बेसी इंडिया में है, जैसे अमेरिका की एम्बेसी है, तो वो भारत की टेरिटरी में काउंट नहीं किया जाएगा। तो देश की सीमा के भीतर देश का नागरिक चाहे विदेशी नागरिक, हो सकता है हमारे यहाँ बाहर की कंपनियाँ कुछ यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, तो उनके द्वारा भी जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाएंगी, अगर वो हमारी भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित की जा रही हैं, तो हम उनको जीडीपी में काउंट करेंगे। तो देश की सीमा के भीतर देश के नागरिक और विदेशी दोनों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को हम जीडीपी के अंतर्गत लेंगे, और एक निश्चित समयावधि के लिए हम जीडीपी को की गणना करते हैं। जीडीपी की जैसे हम क्वार्टरली बेस पे जीडीपी का एस्टिमेशन कर सकते हैं या ईयरली बेस पे। अब जीडीपी के अंतर्गत कैसे हम काउंट करेंगे, इसके अंतर्गत सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। सी क्या है, कंजम्पशन को बताता है, आई क्या है, वो इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसेस को बताता है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बताता है, और एनएक्स नेट एक्सपोर्ट को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है। तो आपके द्वारा, हमारे द्वारा, जो भी हम अपने दैनिक जीवन को की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी हम वस्तुओं और सेवाओं पर रुपए खर्च करते हैं, उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इन्वेस्टमेंट आई क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसेस। बिजनेसेस के द्वारा जो लैंड को खरीदने के लिए, बिल्डिंग को खरीदने के लिए, मशीन को खरीदने के लिए जो रुपए खर्च किए जाते हैं, कंज्यूमर द्वारा जो घर को खरीदने के लिए पैसे लगाए जाते हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आते हैं बाय बिजनेसेस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत क्या आता है, सरकार के द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए जो भी योजनाएं, जो भी कार्य किए जाते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को के लिए, वो सब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सरकार अच्छी सड़कें बनवाती है, पोर्ट बनवा रही है, एयरपोर्ट बनवा रही है, बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश कर रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ा रही है, तो इस पर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्चा किया जा रहा है, इससे ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएंगी। नेट एक्सपोर्ट, ये निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, अगर भारत ने $5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट किया है जेम्स एंड ज्वेलरी का, और इम्पोर्ट $10 मिलियन का किया है, तो यहाँ पे जो भारत का नेट एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव आएगा। अब अगला हम ये समझेंगे कि हमें जीडीपी समझने की ज़रूरत क्यों है। तो इट इज़ एन इंडिकेटर विच इज़ यूज टू नो अबाउट एन इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ ए कंट्री। तो जीडीपी जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्वास्थ्य को बताता है। इसकी मदद से सरकार को नीति निर्माण करने में सहायता मिलती है, या निवेशकों को निवेश करने में मदद करता है। तो किसी भी देश की जीडीपी बताती है कि किसी भी देश में एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत कितनी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है। तो अगर हमारी जीडीपी घटती है, तो ये बताता है कि हमारे यहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन घटा है, इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, नए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ घटी हैं, और डिमांड, जाहिर सी बात है, अगर नए लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो डिमांड इकॉनमी में नहीं बढ़ रहा होगा, और हमारी अर्थव्यवस्था लगातार डिक्लाइन कर रही है। लेकिन अगर जीडीपी बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ इसका मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, और लगातार इकॉनमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो किसी भी देश की उच्च जीडीपी यही बताती है कि वहाँ हाई जीडीपी क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये किसी भी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने में सक्षम होता है। और प्रत्येक देश, अब हम ये समझेंगे कि प्रत्येक देश में जो जीडीपी की गणना करने के अलग अलग तरीके हैं। भारत में
जीडीपी के डेटा का कौन कलेक्शन करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इससे पहले सीएसओ द्वारा किया जाता था, लेकिन 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एक कर दिया गया और अब इसका नाम हो गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यहाँ पे हम देखेंगे कि जीडीपी की गणना करने के कितने तरीके हैं, तो तीन हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड, जिसे वैल्यूएटेड मेथड भी कहते हैं, दूसरा एक्सपेंडिचर बेस्ड मेथड और तीसरा है इनकम मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।